Hello students, this video lecture is on operating system for VE 4th sem CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department. इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 IO मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग चालू किए थे, जिसमें हमने देखा था ये जो बेसिक डायग्राम है वो हम देख रहे थे, और जिसमें हमने IO डिवाइसेस क्या होते हैं और डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने समझा था IO मैनेजमेंट के अंदर जो ये एक डायग्राम हमने बनाया था। तो डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, तो डिवाइस कंट्रोलर एक हार्डवेयर यूनिट है, ये हमने देखा था। डिवाइस कंट्रोलर कैसे काम करता है ये हमने देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस कंट्रोलर जो था वो हार्डवेयर यूनिट था। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट कंट्रोल्स वेरियस IO डिवाइसेस थ्रू डिवाइस कंट्रोलर। तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे IO डिवाइसेस को डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करता है। ए कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर टू डील विद हंड्रेड ऑफ IO डिवाइसेस एंड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बिकॉज देयर आर सो मैनी डिवाइसेस टू डील। इन ऑर्डर टू मैनेज दिस कॉम्प्लेक्सिटी वी क्रिएट अ मॉड्यूल फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर whose job is to communicate with that particular device controller. Everything that a system needs to know about the device controller and the devices attached to it is contained in this module. The module is called a device driver. A computer system में hundreds of IO devices हम connect कर सकते हैं, जिसकी वजह से lot of complexities आ सकती है, क्योंकि कौन record रखेगा कि कितनी devices connected हैं और कौन कौन कैसे किससे कम्युनिकेट कर रहा है। इसी को मैनेज करने के लिए डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू डिफरेंट IO डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एवरीथिंग दैट अ सिस्टम नीड्स टू नो अबाउट डिवाइस कंट्रोलर और उसके डिवाइसेस अटैच टू इट, वो उस मॉड्यूल में सारा डेटा कंटेन करता है और उसी मॉड्यूल को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। A device driver knows how to control one device controller and other device connected to it. It also knows how to communicate with the rest of the operating system. एक जो device driver रहता है वो device controller से कैसे उसको communicate करना है और operating system से कैसे communicate करना है वो जानता है। The interface to the rest of operating system hides the complexity and variety of devices and instead of that it prevents a simple uniform interface to rest of the system. So, a device driver is an interface module that communicates in the language of devices. तो device driver एक interface module है जो कि devices की language में ही उससे communicate करता है। जैसे कि ये diagram हम देख सकते हैं कि इधर वाला पार्ट हार्डवेयर का है और इधर वाला पार्ट सॉफ्टवेयर का है। तो इसके पिछले डायग्राम में भी हमने देखा था कि जो डिवाइस कंट्रोलर है वो हार्डवेयर यूनिट है और जो डिवाइस ड्राइवर है वो सॉफ्टवेयर यूनिट है। तो ये जो भी IO डिवाइसेस हैं वो डिवाइस कंट्रोलर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं, इन्हीं से वो मैसेज पासिंग होती है। अब इन जो डिवाइस कंट्रोलर है वो डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, लेकिन इन सारे डिवाइसेस का जो इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल है वो डिवाइस ड्राइवर रखता है, और डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस कंट्रोलर से हमेशा कांटेक्ट में रहता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी डिवाइस का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डिवाइस ड्राइवर को बोलेगा कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस का इंफॉर्मेशन, जो IO डिवाइस कनेक्टेड है उसका इंफॉर्मेशन ला के दीजिए। तो डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर को बोलेगा और डिवाइस कंट्रोलर उसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये याद रखिएगा कि डिवाइस कंट्रोलर जो है वो हार्डवेयर यूनिट है और डिवाइस ड्राइवर जो है वो सॉफ्टवेयर यूनिट है। इसके बाद हम समझेंगे कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये जो हमने डायग्राम देखा था, ये देखिए हमने IO डिवाइसेस पढ़ा, डिवाइस कंट्रोलर पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि IOCS इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम क्या है। उसमें छोटा सा डेफिनेशन है, जो भी इनपुट आउटपुट
से डील करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम IOCS ए सबसेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इनिशियल प्रोसेसिंग और वैलिडेशन ऑन द रिक्वेस्ट का काम ये करता है एंड राउट्स इट्स टू द एप्रोप्रिएट हैंडल एट नेक्स्ट डे। इट इज ऑल्सो वेयर द जनरल मैनेजमेंट ऑफ IO इंटरप्ट्स टेक्स प्लेस। वेरियस टेक्निक फॉर इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन आर परफॉर्म्ड थ्रू IOCS। तो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम जो कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम के पास रहता है। वही आगे जाके डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस कंट्रोलर से डील करता है। और उसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला है आपका इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर और दूसरा है उसका इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को कैसे डील करते हैं।